फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने हरिद्वार पहुंचकर देवभूमि के दर्शन किए। इसके साथ ही कंगना ने पूजा अर्चना करके आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद भी लिया और धर्म स्थलों की खूबसूरती के लिए सरकार की तारीफ भी की। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने हरिद्वार पहुंचकर पहले दक्षिण काली मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद आरती में भी शामिल हुई और दर्शन करने के बाद मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज सरकार नदियों और धर्म स्थलों की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रही है और देश की संस्कृति को सहेज रही है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नतीजे ठीक 2019 के जैसे होंगे। इसके साथ ही इस यात्रा में उनके साथ खानपुर के विधायक उमेश कुमार शर्मा भी रहे। वहाँ डेफिनेटली हमारी तो इच्छा है कि हम वो सब जगह जाएं जो बहुत फेमस है और हमारे महाभारत में भी इसका खास उल्लेख किया गया है कि केदारनाथ जी जो है पांडव वहाँ पे गए थे और द्रौपदी के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे पूरा जो उनका उनको अपने एक विनाश का उनका पूरा एक चैप्टर है महाभारत में क्या क्या उन्होंने वहाँ पे किया था। और मैंने जिस दिन से वो पढ़ा है उस दिन से मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं जाऊँ केदारनाथ और मुझे अब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वामी जी से बस वही है कि अब हमें इनके साथ में थोड़ा समय मिले। अब तक तो आप लोग भी अंदर थे तो कहाँ हमें ना बात करने दिया ना इतना शोर बहुत ज़्यादा था। बाकी स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ में जैसे आपने कहा ये ज्ञान के भी बहुत बड़े एक स्रोत हैं, एक महासागर हैं और हमारी झोली बहुत छोटी है और समय भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितना स्वामी जी की कृपा रहेगी उतना हम इनसे हासिल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो नदियाँ हमारी चाहे जो भी हों, हमारी चाहे गंगा जी हों या कावेरी जी हों या जमुना जी हों या जो विलुप्त हो चुकी हैं सरस्वती जी हों, तो हमें यही सीख मिलती है कि हमें नदियों अपने कल्याण के लिए नदियों का कल्याण करना है। ये तो हमें सीख और इतना तो कॉमन सेंस हमें है ही है, तो वो तो है ही है। बाकी जो गंगा जी जो देवी गंगा जी की महत्ता है उसका हमें विचार करना चाहिए और उसको हमेशा ही ध्यान में रखते हुए गंगा जी को जो है साफ रखना चाहिए। और बाकी 2024 में आपने कहा सारे देश में 2024 को लेके काफी उत्सुकता है और आई थिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था। जब भी देवभूमि के संबंध में चर्चा हुई है उन्होंने हमेशा ही इच्छा जताई कि मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं देवभूमि में जाऊँ जहाँ पर हर कण में देवता हैं और बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी के दर्शन के लिए काफ़ी समय से उन्होंने इच्छा जताई हुई थी। तो फिर क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है, जीवन बहुत व्यस्त है उनका भी, तो इस बार उन्होंने किसी तरीके से समय निकाला और फिर बात हुई कि कपाट खुल रहे हैं तो एकदम जब क्योंकि जब बाबा बुलाते हैं तो फिर पता नहीं लगता वो कब और कैसे और किस माध्यम से बुलाते हैं, तो उन्होंने बुला लिया। उनकी इच्छा उन्होंने पूरी करनी थी, वो उनकी इच्छा कल बहुत बढ़िया पूरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।